एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए प्लस बी और ए माइनस बी का परपेंडिकुलर होगा, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी और इसी वेक्टर का ए प्लस बी क्रॉस बी माइनस ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए और माइनस 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी सिंपलीफाई करेंगे, 0 माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, इसमें से मिल जाएगा 2 बी क्रॉस ए वेक्टर, ये भी बी क्रॉस ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 2 बी क्रॉस ए वेक्टर। 2 2 बाहर कर लेंगे तो बी क्रॉस ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए निकालेंगे या ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो आई जे के पहले बी का कंपोनेंट रखेंगे 1 2 माइनस 2 थ्री टू एंड टू तो आई इंटू 4 प्लस 4 माने जे इंटू 2 प्लस 6 प्लस के इंटू 2 माइनस 6 डेट इज 8 आई माइनस 8 जे माइनस 4 के। यहाँ पर सब्टीट्यूट कर लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, आई 2 आई माइनस 2 जे माइनस के बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ 64 प्लस 64 प्लस 16 फोर 2 आई माइनस 2 जे माइनस के बाई। वन फोर्टी फोर 12 आएगा, 4 2 आई माइनस 2 जे माइनस के बाई 12 3, तो 1/3 2 आई माइनस 2 जे माइनस के ये आएगा।